सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल आमिर यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ में बेल आइकन पर प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज आमिर एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल आमिर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि हम कैसे अपनी तमाम सारी डिलीट की हुई पिक्चर्स रिकवर कर सकते हैं। जी हाँ, भले वो एक साल पुरानी हो, दो साल हो, या दस साल या बीस साल पुरानी पिक्चर्स हो, वो आपके पास रिकवर हो सकती हैं, क्योंकि हमारी गैलरी में एक ऐसा हिडन फोल्डर होता है, जो भी हम पिक्चर्स डिलीट करते हैं वो वहाँ पर सेव हो जाती है, मगर हमें पता नहीं चलता। वो हम कैसे निकाल सकते हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सबके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ES फाइल एक्सप्लोरर जो एप्लीकेशन है, ये हमें प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड करनी है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी लिंक से डाउनलोड करें, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन की लिंक भी दे दूंगा। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले इसको डाउनलोड करके उसके बाद हमने यहाँ पर इसको ओपन कर देना। ओपन करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। ऐसा इंटरफेस होने के बाद हम यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज में जाएंगे। ठीक है, इंटरनल स्टोरेज में जाएंगे तो यहाँ पे तमाम सारे हमारे गैलरी के जो भी फोल्डर्स हैं, जो भी फाइल मैनेजर में फोल्डर्स हैं, वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। और यहाँ पे इनका कलर आप देख लीजिएगा कि ये डार्क ब्लू कलर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ऊपर थ्री लाइन्स है, उसमें जाना है। उसमें जाने के बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है शो हिडन फाइल्स। यहाँ पे शो हिडन फाइल्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम शो हिडन फाइल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइट ब्लू कलर के कुछ फोल्डर्स आ चुके हैं, जिसमें यहाँ पे हमने यहाँ पे अभी एक फोल्डर को ढूंढना है जिसका नाम है थंबनेल। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये थंबनेल है। ठीक है, तो हमने इस पर सिंपली एक क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक यहाँ पे करेंगे, जो भी हमारी पिक्चर्स हैं वो अभी सेव हैं वो भी आ जाएंगे, जो हमने डिलीट करी हुई जब से मोबाइल लिया हुआ है वो भी आ जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम सारी पिक्चर्स यहाँ पे आ चुकी हैं। ये तकरीबन लाखों में होंगी या हज़ारों में। देख सकते हैं कि यहाँ पर स्क्रोल डाउन कितना हो रहा है, कि मतलब जब से मोबाइल मेरे पास पड़ा हुआ है या मेरी मोबाइल कोई और भी यूज़ करता होगा तो उसकी भी पिक्चर्स यहाँ पर इसमें आ जाएंगी। तो मैं आपको ये एक पिक्चर दिखा देता हूँ। ये मैंने डिलीट करी हुई थी जब मैंने मोबाइल लिया था ना, तो तब मैं ये चेक कर रहा था कि मोबाइल कैसा है, कैमरा रिजल्ट कैसा है, XYZ। तो मैंने इस बंदे की वहां पे ली हुई थी, मैंने उसी दम ये डिलीट कर दी थी अभी तक यहां पे। मगर अगर हम चाहें तो इसको सेव भी कर सकते हैं। सेव करने का ये मेथड है कि इसको हम प्रेस करके यहाँ पे इसको होल्ड करके यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे कॉपी आ जाएगा या कट आ जाएगा। ठीक है, हम कॉपी करके, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे बैक जाएंगे। तो बैक जाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लस करेंगे। ठीक है, इस पर प्लस करने के बाद यहाँ पे आप फोल्डर भी कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो। आप बैक करके, बैक करने के बाद आप चाहें तो यहाँ पे किसी भी फोल्डर्स में, DCIM में या कहीं पे भी आप इसको रख सकते हैं। फिर आपको गैलरी में ये पिक्चर शो हो जाएगी, मतलब आपकी कहीं भी डिलीट नहीं होगी। ये उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ पर क्लिक करके, और साथ ही साथ में जो बेल आइकन पर उस पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और हमारे चैनल को मस्ट विजिट करिएगा, यहाँ पर तमाम सारी जो भी आपके फ़ायदे की वीडियोज़ हैं यहाँ पर अपलोड की हुई है, इसको ज़रूर देखिएगा।